गेहूं के आटे से बनाए ऐसी रेसिपी जिसके आगे आपको पास्ता भी फीका लगने लगेगा, एक बार इसे जरूर ट्राई करिए। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको गेहूं के आटे से बहुत ही बढ़िया रेसिपी बताने वाले हैं, तो पूरे वीडियो में आप बने रहे दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने यहाँ पे एक कटोरी गेहूं का आटा लिया है, अब इसको हम चलते हैं बढ़िया से। तो यहाँ पे इस तरह से आटे को लगा लेना है, जैसे हम रोज के आटे को लगाते हैं रोटी के जैसे ही। अब हमें क्या करना है, हमें इस तरह से छोटी सी लोइया लेनी है, आटे को इस तरह से ले लेना है। आप चाहें तो बड़े भी ले सकते हैं, और इस तरह से हाथों से, दोनों हाथों से इस तरह से कर लेना है, मतलब बीच में मोटा रहे और साइड साइड में हमें हाथों से इस तरह से पतला कर लेना है। इस तरह से बहुत ही इजली फ्रेंड्स बन के तैयार हो जाता है। देखिए, एक साइड इस तरह से पतला करना है और यहाँ पे भी तो इस तरह से करना है, और बीच में हाथों से इस तरह से हल्का सा दबा देना है। तो देखिए इस तरह आकार में बन जा रहा है। तो इसी तरह हमें सभी को बना लेना है। तो फ्रेंड्स, आप इसे बड़े छोटे चाहे जिस आकार में बना सकते हैं, बट छोटा छोटा देखने में भी अच्छा लगता है और बच्चों को भी ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। ये रेसिपी किस किस को फ्रेंड्स पसंद है कमेंट में ज़रूर बताना, और किस किस ने ये रेसिपी खाई है वो भी कमेंट में ज़रूर बताना। फ्रेंड्स, इसे आप दो तरीकों से बना सकते हैं, तो आपको कौन सा तरीका सबसे ज़्यादा पसंद है वो भी फ्रेंड्स कमेंट में बताएं। तो इस तरह से हाथों से कर देना है, बहुत ही ज़्यादा देखने में भी अच्छा लगता है। तो इस तरह से हम सभी को बना लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने सभी को बना लिया है। इस तरह से हमें बना लेना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। तो चलिए अब इसे उबालने के लिए रख देते हैं। फिर हम दो गिलास पानी ले लेंगे और थोड़ा सा इसमें हम नमक डाल देंगे। थोड़ा सा ही नमक डालना है फ्रेंड्स यहाँ पे, और थोड़ा सा हल्दी डाल देंगे। यहाँ पे देख सकते हैं हमने थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा हल्दी डाला है। अब इसको हम अच्छे से मिला लेंगे। अब एक एक करके हम सारे इसमें हम डाल देंगे। तो यहाँ पे हमने सभी को डाल दिया है। अब इसको हल्के हल्के हाथ से इसे इस तरह से चला लेंगे, बार बार नहीं चलाना है। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से इसे उबलने देंगे हम। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने थोड़े से भुट्टे लिए हैं, अब इसको भी इसमें हम डाल देंगे, साथ में ही इसको भी उबाल लेंगे। अगर आपके पास भुट्टे नहीं हैं तो कोई बात नहीं, तो इस तरह से इसको भी अच्छे से उबाल लेंगे साथ में ही। यहाँ पे जब तक बॉईल हो रहा है, यहाँ पे हम एक प्याज काट लेते हैं। एक छोटे साइज का हमने प्याज लिया है, उसके ऊपर का हिस्सा हमने इस तरह से निकाल लिया है, और यहाँ पे हमने कुछ बारीक प्याज को काट लिया है। यहाँ पे जो ये अंदर वाला भाग होता है उसको हम बारीक कर लेंगे, बाकी जो ऊपर का भाग होता है उसको हम इस तरह से निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने बारीक धनिया के पत्ते काट लिए हैं, और यहाँ पे हमने एक मीडियम साइज के टमाटर हमने बारीक कर लिए हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हमने एक ही प्याज लिया था उसके ऊपर का हिस्सा निकाल लिया है और कुछ बारीक कर लिए हैं। यहाँ पे हमने यहाँ पे तीन लहसुन के कलियाँ ली हैं, इसको भी हम छोटे छोटे करके काट लेंगे। फ्रेंड्स, पूरे वीडियो में बने रहे। ये रेसिपी बच्चों से लेकर बड़ों तक बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है खाने में। तो आपका जब भी खाने का कुछ चटपटा मन करे तो आप इस रेसिपी को बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। तो यहाँ पे अच्छे से बॉईल हो गया है, हमने गैस को बंद कर दिया है। अब इसको एक प्लेट में हम निकाल लेंगे। अब फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे वही पैन चढ़ा दिया है। अब इसमें हम तेल डाल देंगे, दो चम्मच जितना करीब तेल डाल देंगे। अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा जीरा। अब डाल देंगे बारीक कटी लहसुन, हम डाल देंगे साथ में ही प्याज। इन सभी को हमें ज़्यादा नहीं, बस हल्का हल्का ही भूनना है। अब ये जो प्याज का पीसेस है इसको भी हम डाल देंगे। अब इसको भी हम थोड़ा सा ही भुनेंगे, हल्का सुनहरा ही करेंगे। अब हम डाल देंगे बारीक कटे टमाटर। फ्रेंड्स, टमाटर को हम थोड़ा सा गल जाने देंगे, इसको थोड़ा सा हम पका लेंगे टमाटर को। तो यहाँ पे टमाटर थोड़ा सा गल गया है, ज़्यादा नहीं गलाना है, बस थोड़ा सा ही नरम हो गया है।
अब हम डाल देंगे साथ में जो आटे के बने हैं। अब इनको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा चिली फ्लेक्स और थोड़ा सा डाल देंगे इसमें जीरा पाउडर और थोड़ा सा डाल देंगे काली मिर्च पाउडर। अब डाल देंगे थोड़ा सा नमक। फ्रेंड्स, याद रहे कि हमने पहले भी नमक डाला है तो हमें बहुत ही थोड़ा सा नमक डालना है। तो बस अब हमें इसमें कुछ भी नहीं डालना है, अच्छे से इन्हें मिक्स कर लेना है। फ्रेंड्स, अगर नीचे पकड़ रहा हो तो आप उसमें हल्का सा पानी डाल सकते हैं, नहीं तो जो आप उबाल रहे थे आटे की उसमें जो पानी एक्स्ट्रा बचता है वो पानी आप इसमें डाल सकते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है और इस तरह से बनके तैयार हो जाता है। फ्रेंड्स, देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। बच्चों को ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है, आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करिए। तो इसे हम बस थोड़े टाइम के लिए, एक मिनट के लिए हम ढक के पका लेते हैं। हमने इसे ढक के 1 से 2 मिनट के लिए पका लिया है। अब इसमें हम डाल देंगे बारीक कटी धनिया। अब इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने गैस को बंद कर दिया है, अब इसे अच्छे से मिला लेंगे। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं कितना ज़्यादा अच्छे से ये बनके तैयार हुआ है। अब एक प्लेट में चलिए इसको निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये बनके तैयार है, इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं। फ्रेंड्स, जब आप इसे एक बार बनाओगे तो आपकी सबसे फेवरेट वाली रेसिपी आपकी ये बन जाएगी। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, आप इसे एक बार खाएंगे तो हफ्ते में 2-3 बार यही बनवा के खाएंगे। तो फ्रेंड्स, आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना फ्रेंड्स, और किस किस को ये बहुत ज़्यादा पसंद है वो भी बताएं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये हमारी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आपको किस तरह से कौन सी रेसिपी चाहिए वो भी कमेंट में आप बता सकते हैं। इस तरह से आप आटे की 2 तरह से इसकी रेसिपी बना सकते हैं, आपको चाहिए तो कॉमेंट में आप बता सकते हैं। फ्रेंड्स, हम आपके साथ वो भी शेयर करेंगे।